नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर पवित्र आकाश जाधव यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज। तो दोस्तों, फिर एक बार मैं आया हूँ नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा। तो यहाँ पर ये रेस्क्यू का काम करते जगन्नाथ शाहू, तो आज इनको एक रेस्क्यू कॉल आया है। तो बिना देर के हम चलते और देखते कौन सा आप है। इससे पहले दोस्तों, सर पवित्र आकाश जाधव इस यूट्यूब चैनल को और इनके चैनल का नाम है स्नेक सेवर जागा भाई, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहाँ पर है, कहाँ देखा है? उसका भी उसको किया। इसमें अच्छा, क्या अंदर में है? ठीक है, निकालो उधर से आप थोड़ा थोड़ा। भीतर भीतर की दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किधर है? यहाँ पर रसल स्वाइपर है। आवाज सुनिए कैसा है, तेजी से खतरनाक रसल स्वाइपर स्नेक। देखिए कैसा आवाज करेगा। प्रेशर कुकर वाले अपना हुई चलता है। कुकर की सीटी जिस तरह बजती उसी तरह आवाज। काफी अग्रेसिव अटैक कर रहा है। चंदन बोड़ा, चंदन बोड़ा क्या कहते हैं इसको उड़ीसा में? चंदन बोड़ा, चंदन बोड़ा। अच्छा, इंग्लिश में रसल स्वाइपर, हिंदी में चित्ती। हिंदी में सांप को चित्ती कहते हैं। देखो कितना गुस्सेल होता है, देखो। भारत का सबसे खतर साइड में जाओ, साइड में हो जाओ। बहुत विश्व धर सब पड़े। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस सांप को किस तरह दिखाई देता है। अभी मैं इसको खुले मैदान में ले लेता हूँ ताकि इसको आप ठीक से देख पाओ। जितना ज़्यादा ये गुस्से में आएगा उतना ज़्यादा कुकर की सीटी की तरह आवाज़ निकलेगा। इसका कहना ही ये होता है कि मेरे पास ना आए, इसकी चेतावनी है। इसका आवाज़ करना इसका मतलब ये है कि इसकी ये चेतावनी है। इतना जानते हुए भी हम सांप के नज़दीक जाएंगे तो ये अटैक करेगा। लगभग ये 3-4 फीट तक भी जम करके काट सकता है जब ज़्यादा गुस्से में आए। तो इसलिए ऐसे सांप दिखाई दे तो बिल्कुल दूरी बना कर रखे, वरना ये आपके लिए जानलेवा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप होता है। और जिस हिस्से को ये काटेगा ना, वहाँ पर गैंगरिंग होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। हाथ खराब हो सकता है, हाथ को काट लिया तो। पैर खराब हो सकता है, पैर को काट लिया तो, है ना। तो इसलिए कभी भी इस सांप को पकड़ने के भूल से भी कोशिश ना करें। अजगर समझ कर पकड़ने की कोशिश में बहुत सारे युवा लोग इसमें मारे गए हैं। नहीं,
देखो कैसे काट रहा है। बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए भारत देश के युवा लोगों को और सर्प मित्रों को भी मैं कहना चाहूँगा, इस सांप को बड़े ही संभल कर पकड़े। छोटी सी भी भूल जानलेवा हो सकती है। काफ़ी ख़तरनाक सांप होता है। लगभग एक सेकंड में ही ये काट करके उसी जगह पर वापस आ सकता है। देखिए कितना गुस्से ले, देखिए तो नाम फिर एक बार बता रहा हूँ, उड़ीसा में क्या कहते इसे? चंदन बोड़ा। चंदन बोड़ा उड़ीसा में, महाराष्ट्र में घोनस, हिंदी में चित्ती और इंग्लिश में रसल स्वाइपर स्नेक। ये जहरीला है, इसमें हीमोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। ये जहर इतना खतरनाक है दोस्तों कि लगभग 1 से 4 घंटे में इंसान की मृत्यु हो जाती है। और अगर बच भी जाए तो कभी कभार जिस हिस्से को काटा है, यानी हाथ को काटा तो हाथ निकालना पड़ सकता है, पैर को काटा तो पैर भी निकालना पड़ सकता है। इसके सिम्टम क्या होते हैं काटने के बाद? जहाँ पर इसने काटा है वहाँ पर ज़बरदस्त बड़ा सूजन आएगा, और जैसे तेल में अगर उगले हुए तेल में जैसे हाथ डाल कर निकाल लेंगे उसी तरह हाथ हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हो मैं किस तरह क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए आप किस तरह काट लिया है, क्या इतना अटैक करा देगा ना। तो उगले हुए तेल में कोई हाथ डालेगा और निकाल लेगा ना, उसी तरह वो हाथ हो जाएगा अगर ये काट लेता है तो। बड़ा ही ख़तरनाक सांप है ये। चलिए हम इसको बैग में डालते हैं। 2 बार इसने हाथ पर अटैक किया, बहुत बहुत बाल बाल बच गए हमें। लगाओ बैग। तो दोस्तों आपने देखा एक रसल स्वाइपर सांप रेस्क्यू किया था, तो यहाँ पर इस सांप को हम रिलीज कर रहे हैं। इसी के साथ हमने कुछ धामन सांप भी रेस्क्यू किए। रिलीज करो धामन को, पहले धामन रिलीज करो। ये देखिए 3-4 धामन सांप है अभी यहाँ पर हमने रिलीज किए, और ये रसल स्वाइपर अभी जो अभी हमने रेस्क्यू किया था, काफ़ी गुस्सेल रसल स्वाइपर। चलिए भाग जाओ। तो देखिए दोस्तों किस तरह ये भागेगा अपने पर्यावरण में। सीटी की जैसा आवाज़ निकाल कर ये भाग गया। भागो। तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ पर मैंने रिलीज़ किया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं।